नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस टाइप के ब्लूटूथ होते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर किस तरीके से उसको रिपेयर किया जाता है, उसका जैक बार बार टूट जाता है या चार्जिंग जैक नहीं लगने के कारण उसको कैसे चार्ज किया जाए। तो बहुत ही सिंपल और आसान टेक्निक हमने इसमें यूज़ की है। अगर आपके पास कोई कस्टमर आए या खुद ही आप रिपेयर करते हो या फिर कहीं रिपेयर कराने जाते हो तो आपको इस बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बहुत सूटेबल और बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें इसके देखिएगा पूरे जितने भी प्रिंट है, सारे प्रिंट चार्जिंग जैक के हट गए थे। सॉरी दोस्तों, एक ग्लू लग गया है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। इसका भी बताऊँगा मैं क्या यूज़ किया है मैंने। देखिए दोस्तों, ये जहाँ पर जो जैक लगता है, अपना चार्जिंग जैक लगता है, तो यहाँ जितने भी प्रिंट थे सारे प्रिंट इसके हट गए थे। तो हमने क्या किया दोस्तों, इसकी जो प्लस की सप्लाई हमने ले ली है और माइनस की सप्लाई ग्राउंड से कहीं से भी आप ले सकते हैं। और लेने के बाद ये दो तार दो जोड़ दिए और ये कनेक्टर आता है, चार्जिंग कनेक्टर हमने इसमें जोड़ दिया, ताकि हमारा जैक इसमें बार बार टूट जाता था या फिर कई बार हमने इस तरीके से भी किया है, जैक लगाने के बाद फेविक्विक वगैरह का इस्तेमाल किया लेकिन उससे भी बात नहीं बन पा रही थी। तो हमने बहुत सिंपल टेक्निक, इसमें दो तार जोड़ जाने के बाद एक गांठ अंदर लगा दी है इस तरीके से, और इसके ऊपर ये ग्लू डाल दिया ताकि ये बाहर की तरफ ना निकले या गांठ किसी तरीके से लूज ना हो। और सिंपल टेक्निक का यूज़ करके हमने एक बैटरी, ये चार्जिंग कनेक्टर आता है, इसको हमने लगा दिया है इस तरीके से। ये देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान टेक्निक है। और अब हम इसको चार्ज कर सकते हैं, अभी हम पैक भी करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये चार्ज हो रहा है। देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान टेक्निक। इस तरीके से आपका ब्लूटूथ स्पीकर वेस्ट नहीं जाएगा और कहीं पर भी जाकर आप अपना ब्लूटूथ स्पीकर रिपेयर करा सकते हैं, और इसमें बार बार खराब होने की या टूटने की कोई दिक्कत नहीं होती। ये बहुत सिंपल टेक्निक है दोस्तों। अब इसको किस तरीके